गोदान प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। कुछ लोग इसे उनकी सर्वोत्तम कृति भी मानते हैं। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी सन में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई द्वारा किया गया था। इसमें भारतीय ग्राम समाज एवं परिवेश का सजीव चित्रण है। गोदान ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य माना जाता है। इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद का पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चित्रण हुआ है। गोदान हिंदी उपन्यास के विकास का उज्ज्वलतम प्रकाश स्तंभ है। गोदान के नायक और नायिका भूरी और धनिया के परिवार के रूप में हम भारत की एक विशेष संस्कृति को सजीव और साकार पाते हैं। ऐसी संस्कृति जो अब समाप्त हो रही है या हो जाने को है, फिर भी जिसमें भारत की मिट्टी की सोधी सुबास रही है, प्रेमचंद्र ने इसे अमर बना दिया। उपन्यास की समीक्षा। गोदान प्रेमचंद्र का हिंदी उपन्यास है जिसमें उनकी कला अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची है। गोदान में भारतीय किसान का संपूर्ण जीवन, उसकी आकांक्षा और निराशा, उसकी धर्म भीरुता और भारत परायणता के साथ स्वार्थपरता और बैठकबाजी, उसकी बेबसी और निरीहता का जीता जागता चित्र उपस्थित किया गया है। उसकी गर्दन जिस पैर के नीचे दबी है उसे सहलाता, क्लेश और वेदना को जुटलाता, मर्जात की झूठी भावना पर गर्व करता, ऋणग्रस्तता के अभिशाप में पिसता, तिल तिल सुलो भरे पथ पर आगे बढ़ता, भारतीय भाज समाज का मेरुदंड यह किसान कितना शिथिल और जर्जर हो चुका है, यह गोदान में प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। नगरों के कोलाहल में चौका चौंध ने गाँव की विभूति को कैसे ढक लिया है। जमींदार, मिल मालिक, पत्र संपादक, अध्यापक, पेशेवर कैसे गांव के ही महाजन और पुरोहित उनकी सहायता कर रहे हैं। गोदान में ये सभी तत्व नख दर्पण के समान प्रत्यक्ष हो गए हैं। गोदान वास्तव में 20वीं शताब्दी की तीसरी और चौथी दशाब्दियों के भारत का ऐसी सजीव चित्र है जैसा हमें अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। गोदान में बहुत सी बातें कही गई हैं। जान पड़ता है कि प्रेमचंद ने अपने संपूर्ण जीवन के व्यंग और विनोद, कसक, वेदना, विद्रोह और वैराग्य, अनुभव और आदर्श सभी को इसी एक उपन्यास में भर देना चाहा है। कुछ आलोचकों को इसी कारण उसमें अस्त व्यस्तता मिलती है और कथानायक शिथिल, अनियंत्रित और स्थान स्थान पर अति नाटकीय जान पड़ता है। ऊपर से देखने पर है भी ऐसा लगता है कि, परंतु जो सूक्ष्म रूप से देखने पर गोदान के जो लेखक हैं वो अद्भुत उपन्यास कौशल दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जितनी बातें कही हैं वे सभी समुचित उत्थान में कही गई हैं। प्रेमचंद्र ने एक स्थान पर लिखा है, उपन्यास से लिख डालिए, भाषा सरस होनी चाहिए, कोई दूसरा नहीं। प्रेमचंद्र ने गोदान में अपनी कलम का पूरा जोर दिखाया है। सभी बातें कहने के लिए उपयुक्त प्रसंग कल्पना, समुचित तर्क जाल और सही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, प्रवाहशील, चुस्त और दुरुस्त भाषा और वर्णन शैली में उपस्थित कर देना प्रेमचंद्र का अपना विशेष कौशल है, और इस दृष्टि से उनकी तुलना में शायद किसी उपन्यास लेखक को रखा जा सकता है। जिस समय प्रेमचंद्र का जन्म हुआ वह युग सामाजिक धार्मिक रूढ़िवाद से भरा हुआ था। इस रूढ़िवाद में स्वयं प्रेमचंद्र भी प्रभावित हुए। जब अपने कथा साहित्य का सफर शुरू किया, अनेकों प्रकार के रूढ़िवाद से ग्रस्त समाज को यथाशक्ति कला के शस्त्र द्वारा मुक्त कराने का संकल्प लिया। अपनी कहानी के बालक के माध्यम से यह घोषणा करते हुए कहा कि मैं निरर्थक रूढ़ियों और व्यर्थ के बंधनों का दास नहीं हूँ। प्रेमचंद्र और शोषण का बहुत पुराना रिश्ता माना जा सकता है, क्योंकि बचपन से ही शोषण के शिकार रहे प्रेमचंद्र इससे अच्छी तरह वाकिफ हो गए थे।
समाज में सदा वर्गवाद व्याप्त रहा है। समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को किसी न किसी वर्ग से जुड़ना ही होगा। प्रेमचंद्र ने वर्गवाद के खिलाफ लिखने के बाद के लिए सरकारी पद से त्यागपत्र दे दिया। वह इससे संबंधित बातों को उन्मुख होकर लिखना चाहते थे। उनके मुताबिक वर्तमान युग न तो धर्म का है और ना ही मोक्ष का है, अर्थ ही इसका प्राण बनता जा रहा है। आवश्यकता के अनुसार अर्थोपार्जन सबके लिए अनिवार्य है और सबके लिए अनिवार्य है, इसके बिना जिंदा रहना सर्वथा असंभव है। वह कहते हैं कि समाज में जिंदा रहने के में जितनी कठिनाइयां का सामना करेंगे उतना ही वही गुनाह होगा। अगर समाज में लोग खुशहाल होंगे तो समाज में अच्छाई ज़्यादा होगी और समाज में गुनाह नहीं के बराबर होगा। प्रेमचंद्र ने शोषित वर्ग के लोगों को उठाने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने आवाज़ लगाई, ये लोगों, जब तुम्हें संसार में रहना है तो जिंदा की तरह रहो, मुर्दों की तरह क्यों जी रहे हो। प्रेमचंद्र ने अपनी कहानियों में शोषक समाज के विभिन्न वर्गों की करतूतों व हथकंडों का पर्दाफाश किया है। कथानक उपन्यास वे ही उच्च कोटि के समझे जाते हैं जिनमें आदर्श तथा यथार्थ का पूर्ण सामंजस्य हो। गोदान में समांतर रूप से चलने वाली दोनों कथाएं हैं, एक ग्राम्य कथा और दूसरी नागरी कथा, लेकिन इन दोनों कथाओं में परस्पर संबंधता तथा संतुलन पाया जाता है। ये दोनों कथाएं इस महाकाव्य की दुर्बलता नहीं वरन सशक्त विशेषता हैं। यदि हमें तत्कालीन समय के भारत को समझना है तो हमें निश्चित रूप से गोदान को पढ़ना चाहिए। इसमें देश काल की परिस्थितियों का सटीक वर्णन किया गया है। कथा नायक होरी की वेदना पाठकों के मन में गहरी संवेदना भर देती है। संयुक्त परिवार के विघटन की पीड़ा होरी को तोड़ देती है, परंतु गोदान की इच्छा उसे जीवित रखती है और वह इस इच्छा मन के लिए वह दुनिया से कूच कर जाता है। गोदान औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत किसान का महाजनी व्यवस्था में चलने वाले निरंतर शोषण तथा उससे उत्पन्न संतरात की कथा है। गोदान का नायक होरी एक किसान है जो किसान वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद है। आजीवन दुर्धर्ष संघर्ष के बावजूद उसकी एक गाय की आकांक्षा पूर्ण नहीं हो पाती। गोदान भारतीय कृषक जीवन के संतरा समय संघर्ष की कहानी है। गोदान होरी की कहानी है। उस होरी की जीवन भर मेहनत करता है, अनेक कष्ट सहता है, केवल इसलिए कि उसकी मर्यादा की रक्षा हो सके। इसलिए वह दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयास भी करता है, किंतु इसका फल जो है उसे नहीं मिलता है और अंत में मजबूर होना पड़ता है। फिर भी अपनी मर्यादा नहीं बचा पाता, परिणामतः वह जब तब के अपने जीवन को पूरी होम कर देता है। यह होरी की कहानी नहीं, उस काल के हर भारतीय किसान की आत्मकथा है और इसके साथ जुड़ी है शहर की प्रासंगिक कहानी। गोदान में उन्होंने ग्राम और शहर दो कथाओं का इतना यथार्थ रूप और संतुलन मिश्रण प्रस्तुत किया है। दोनों की कथाओं का संगठन इतनी कुशलता से हुआ है, उसमें प्रवाह आदोपांत बना रहता है। प्रेमचंद्र की कलम की यही विशेषता है। इस रचना में प्रेमचंद्र का गांधीवाद से मोहभंग साफ दिखाई पड़ता है। प्रेमचंद्र के पूर्व के उपन्यासों में जहां आदर्शवाद दिखाई पड़ता है, गोदान में आकर यथार्थवाद नग्न रूप से परिलक्षित होता है। कई समालोचकों ने इसे महाकाव्यात्मक उपन्यास का दर्जा भी दिया है। होरी नायक धनिया नायिका, गोबर हीरो गोबर होरी का पुत्र झुनिया, गोबर की पत्नी राया साहेब जमींदार, मेहता दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर, मालती आधुनिक नागरिक व डॉक्टर, भोला झुनिया के पिता सोना और रूपा होरी के पुत्री, खन्ना मिल मालिक गोविंदी खन्ना के पत्नी, हीरा होरी के भाई, सिलिया दलित चमार स्त्री, मता दीन और दत्ता दीन ब्राह्मण, ओंकारनाथ संपादक, दुलारी सबुहीन दुकान की मालकिन, शोभा होरी के भाई, अन्य पात्र झिंगूरी सिंह,
पटेश्वरी लाल नोहरी पुनिया मिर्जा खुशेद। संदर्भ सूची।